अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये टॉपिक है हमारे पास केबल स्टेट ब्रिज। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था जो आर्च ब्रिज होता है और उसके साथ कुछ और ब्रिज हमने पढ़े थे उसके बारे बात, और थोड़ा बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइपिकल ब्रिज भी हमने पढ़े थे। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम केबल स्टेट ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह केबल स्टेट ब्रिज आपने शायद सुना होगा, ये ऑलमोस्ट सस्पेंशन ब्रिज की तरह ही है। तो इसमें जो फ़र्क होते हैं वो क्या है, देखो, ए केबल स्टेट ब्रिज इज़ ए ब्रिज विच विथ वन और मोर पिलर। क्या होता है ऐसे टाइप ऑफ ब्रिज में, क्या होता है एक या एक से ज़्यादा हमारे पास पिलर होते हैं, ठीक है, या दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ केबल स्टेट ब्रिज आर पैरेलल अटैचमेंट एंड डिज़ाइन इज रेडियल अटैचमेंट डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें जो दो कस्म के इसमें ये जो केबल स्टेट ब्रिज जो है इसमें दो कस्म के टाइप्स आते हैं, एक को आते हैं जिसमें हम पैरेलल अटैचमेंट डिज़ाइन होते हैं, दूसरे में आपके क्या होते हैं रेडियल अटैचमेंट डिज़ाइन। एक आता है हमारा पैरेलल अटैचमेंट, दूसरा आता है हमारा रेडियल, यानी एक ही पॉइंट पे मिलना, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे इस जहाँ पे है ये जो आपका है केबल है, यहाँ पे केबल जो आपका देख सकते हैं पैरेलल है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे आपका केबल कनेक्ट है पिलर पे, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका पैरेलल अटैचमेंट डिज़ाइन है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। दूसरा जो रेडियल अटैचमेंट डिज़ाइन है इसमें आप देख सकते हैं ये जो केबल है सारा एक पॉइंट पे मिलते हैं, दैट मीन्स ये रेडियल ही आपका वहाँ पे लोकेशन होता है इसका। तो ये इस पे पायर पे जो इसका पिलर होते हैं, सॉरी, इस पिलर पे आपका क्या होता है एक ही पॉइंट पे मिला होता है ये जो आपका केबल है, ठीक है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड दोनों में सेम है, यहाँ से ब्रिज में ये जो केबल होता है आपका टेंशन में होता है, ठीक है, ये लोड यहाँ से इसका जो डेक का लोड होता है इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आता है, और ये जो पिलर होते हैं वो अंडर कंप्रेशन होते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आप 200 से 900 मीटर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रेडर के तौर पर ये आप काम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रेडर ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप, जिसमें अगर आप इसके बारे में कुछ पता हूँ तो आप ये पूछ सकते हैं, इसका पैरेलल अटैचमेंट और ये रेडियल अटैचमेंट, ठीक है। तो ये इसमें कहाँ तक कितने स्पेन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 200 से 900 मीटर तक आप केबल स्टेट ब्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसमें जो ये जो केबल स्टेट ब्रिज है वो और सस्पेंशन ब्रिज में क्या फ़र्क होता है, देखो, सिमिलर टू द सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज भी इसी तरह होते हैं ना, हमने देखा होगा आपने भी, ये इस तरह केबल होते हैं सस्पेंशन, ठीक है, तो इस तरह होते हैं सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज भी होते हैं इसी तरह। तो आपने देखा होगा यहाँ पे फिर से सस्पेंशन भी, यहाँ पे जो केबल होता है इस तरह यहाँ पे डेक पे कनेक्ट होता है, यहाँ से फिर से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लोड होता है, ये कंप्रेशन होता है, ये भी टेंशन में होता है, और ये हमारे पास जो पिलर यहाँ पे पिलर होते हैं वो कंप्रेशन में होता है, ठीक है। तो इसमें जो फ़र्क होता है इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये बट द डिफरेंट लाइज हाउ द केबल आर कनेक्टेड टू द टावर, टावर में केबल किस तरह कनेक्ट है उसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पे रेडियल देखा आपने, यहाँ पे केबल सिस्टम में आप एक रेडियल देखा, एक आपने पैरेलल देखा, उसी तरह उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे केबल केबल जो है वो कनेक्टेड होता है टू द पिलर पे, ठीक है, सस्पेंशन में। इसमें आपने ऐसे देखा, बस वही दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। और दिस ब्रिज सपोर्ट द रोडवे बाय केबल, ठीक है, जो रोडवे जो होता है आपका ये जो रोड का वे जो है इसको केबल के जरिए यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे केबल सिटे रिक्वायर लेस केबल, यहाँ पे उतना केबल ज़रूरत नहीं पड़ता जितना सस्पेंशन में पड़ते हैं, ठीक है, इसमें कम ही केबल इस्तेमाल होते हैं। और कंस्ट्रक्टेड और आइडेंटिकल प्रीकास्ट कंक्रीट सेक्शन में, ये जो आपका प्रीकास्ट कंक्रीट सेक्शन होता है, ये जो आपका डेक होता है, ठीक है, जो आपका रोडवे होता है वहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट सेक्शन भी होते हैं, ठीक है, एंड आर फास्ट बिल्ड और जल्दी बनाने में एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन, ये बहुत जल्दी बनते हैं हमारा केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव ब्रिज दैट इज़ अनडेनेबल ब्यूटीफुल, ये कॉस्ट इफेक्टिव है मगर ये थोड़ा इसमें बहुत ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज, हमारा जो नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। पहले हमने केबल स्टेट ब्रिज जो हमने बताया, ठीक है, तो अब हमारे पास है एक सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। तो इस सस्पेंशन ब्रिज डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सस्पेंशन है इसमें टैप, देखो ये जो यहाँ से एक बड़ा केबल है और यहाँ से एक केबल और यहाँ से एक केबल, ठीक है, और यहाँ पे दो पिलर खड़ा है, तो इसमें जो दूसरा केबल जो अटैच है वो इस तरह वर्टिकल है, ठीक है। सस्पेंशन में ऐसे नहीं था, सस्पेंशन जो उसमें जो सॉरी उसमें केबल स्टेट ब्रिज में कैसे था, यहाँ पे जो पिलर है उसी की तरफ यहाँ पे कनेक्टेड थे वो सारा केबल, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हमारा फ़र्क हमने जो बताया था, ठीक है। तो ये जो टावर होते हैं वो अंडर कंप्रेशन होते हैं और ये केबल जो है अंडर टेंशन होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे एंकरेज होते हैं, यानी यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, सपोर्ट होते हैं यहाँ पे बाहर, ठीक है, रोड साइड पे। तो ये हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, जनरली लाइट होता है, एक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। सस्पेंशन कैन बी सस्पेंड डिस्टेंस फ्रॉम 2,000 to 7,000 feet, लॉन्गर हम बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज द ओनली प्रैक्टिकल टाइप सुटेबल फॉर वेरी लॉन्ग स्पेन एंड व्हेन इट वुड बी हैज़र्डस टू मैरीटाइम ट्रैफिक टू इट्स सेंट्रल सपोर्ट, ठीक है। जिसमें भी उतना ये नुकसान नहीं होता जितना दूसरे ब्रिज में होता है, यह हमारे पर लॉन्ग स्पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ऐसे टाइप ऑफ ब्रिज, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज। तो आप देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज जो है टाल टावर ऑन बोथ साइड, ठीक, हमने देखा ये जो दोनों साइड पे क्या है, टाल टावर है, ठीक है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे टावर है टाल, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे द केबल रन इंटायर लेंथ, पूरा केबल पूरा लेंथ ऑफ द ब्रिज में वहाँ पे रन होते हैं, दैट मीन वहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल यहाँ पे आपका केबल्स आते हैं, ठीक है, मेन केबल से जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट रहते हैं। और ये जो है पूरा जो ब्रिज का रोडवे जो है वो इसी पर उठा होता है, इसी केबल के ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सस्पेंशन ब्रिज है इन एडिशन टू द केबल एंड सपोर्टिंग ट्रस सिस्टम भी होते हैं। कुछ सस्पेंशन ब्रिज में जो ऑलमोस्ट ऑल कुछ बहुत ज़्यादातर, लेकिन कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है, क्या कुछ में क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रस सिस्टम होता है, ठीक है, बीनेथ द ब्रिज डेक, यहाँ से ब्रिज का जो डेक है ना, ये जो सिस्टम, ये जो ब्रिज है यहाँ पे, ये वाला डेक है, ठीक है। और डेक के नीचे, डेक मतलब वहाँ पे जो रोड सेक्शन है, जहाँ पे लेन सेक्शन है, उसको डेक कहते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे जो है कुछ ट्रसेस भी होते हैं कुछ में, ठीक है, यानी ट्रस ट्रस का मेंबर वहाँ पे बना होता है। दिस हेल्प टू स्टिफन द डेक एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ रोडवे टू स्वे और रिपल। ये किस लिए मदद देते हैं, ये अगर केबल में अगर टेंशन हो तो ये सीधी सी बात है, ये मे बी पॉसिबिलिटीज तो है, यहाँ पे जो ब्रिज का जो रोडवे है ये सीधे ऊपर उठा सकते हैं, यानी डिफॉर्मेशन इस तरह भी आ सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे स्टील जो ट्रस जो है स्टील का वो लगा होते हैं, ताकि ये स्टेबल उसी सेक्शन में रहे, उसी लेवल पे रहे, ठीक है। ये था हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।